सत्र के दौरान मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के बीच हुई तूतू मैमे पर सियासी बयानबाजी तेज। कांग्रेस विधायक शकील अहमद ने दी चुटकी तो बचाव में उतरे शिक्षा मंत्री। एमएलसी चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नामांकन का दौर शुरू। समस्तीपुर से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर तरुण कुमार ने भरा पर्चा तो मुजफ्फरपुर में आरजेडी और जेडी प्रत्याशी ने किया नामांकन। होली में शराबियों पर नकेल कसने के लिए सहरसा में चलाए जा रहे विशेष अभियान में रेल पुलिस को मिली सफलता। ट्रेन से भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद। फिर से तार तार हुआ है आसन। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक सुमन। खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में आज बड़ा हंगामा हो गया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने लखीसराय का मामला उठाया। उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने चैंबर में थे। मामला उठते ही वो बेहद नाराज हुए, गुस्से में सदन में आए और हंगामा करने वालों को जमकर फटकार लगाई। मुख्यमंत्री ने स्पीकर विजय सिन्हा को कहा कि आप संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री और स्पीकर के बीच जमकर बहस हुई। नीतीश कुमार ने कहा कि इस मामले में विशेषाधिकार समिति जो रिपोर्ट पेश करेगी हम उस पर जरूर विचार करेंगे, किसी तरह का भ्रम है तो बातचीत की जाएगी। मुख्यमंत्री के इस गुस्से भरे बयान के बाद स्पीकर विजय सिन्हा ने कहा कि पुलिस की तरफ से लखीसराय की घटना पर खानापूर्ति की जा रही है। यह बिल्कुल नियमों के प्रतिकूल है। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं सुन रहा था, इसीलिए हम हाउस में आए हैं। ये काम है सरकार का जवाब देना, और मैंने ऑथराइज किया है अपनी तरफ से इनको इस बात के लिए करना। हम बैठ करके सुन रहे हैं, ये तो बता रहे हैं कि पूरी इंक्वायरी हो रही है, और जब पूरी इंक्वायरी हो रही है तो हो गया, ये हाउस का चीज है। आप जब इंक्वायरी हो रही है और ये हुआ, इसके लिए कोर्ट है, और जब इंक्वायरी होती है कोई चीज के बारे में और मामला जाता है कोर्ट में, आप हाउस में पूछ रहे, हाउस में बताया जा रहा है, और जो इंक्वायरी होती है ये काम करना पुलिस का काम है, आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। और जरा संविधान देख लीजिए, आप संविधान देख लीजिए और देख लीजिए, एक बार जान लीजिए। मुझको तो आश्चर्य होता है, हम इतने दिनों से और फिर इस तरह की बात होती है। सारे लोगों को एक बात जानना चाहिए, संविधान क्या कहता है। आप जब इंक्वायरी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कोई चीज, ये उसका अधिकार है, और अगर वो गड़बड़ करेगा, सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से गाइडलाइन यही है कि निश्चित रूप से करना। और आप जानते हैं, हर बार हम एक एक बात कहते हैं, न हम किसी को फंसाते हैं, न हम किसी को बचाते हैं। ये काम नहीं है सरकार का, ये बात क्यों आप लोग बार बार कर रहे हैं? इस बात को लेकर के चलिएगा, इस तरह से हाउस चला रहे हैं। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री और स्पीकर के बीच हुई बहस को लेकर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ऐसा किसी तरीके की बातें अंदर में नहीं हुई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने अपनी बातों को रखा है और मुख्यमंत्री ने भी अपनी बातों को रखा। शिक्षा मंत्री का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संसदीय परंपरा का पालन करते हुए जवाब दिया है। शायद ठीक से सुना नहीं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा और माननीय अध्यक्ष जी ने जो कहा, दोनों ने तो एक ही बात कही है। अरे मोबाइल जिसका हाथ नहीं है, कार्यपालिका का अधिकार है, दोनों को अपने अपने अधिकार क्षेत्र में काम करना चाहिए, और अध्यक्ष महोदय ने जो अपने क्षेत्र के मामले की कुछ चर्चा की, मुख्यमंत्री ने कितनी संवेदनशीलता से कहा उन सारे मामलों की हम आज ही समीक्षा करें, इसमें आपको क्या दिख रहा है? जो मामला उठा तो मुख्यमंत्री जी ने विधायिका और कार्यपालिका के क्षेत्र को माननीय अध्यक्ष ने अपने क्षेत्र विशेष के कुछ मामलों के संबंध में बातें की, मुख्यमंत्री ने कहा कि सारे मामलों को मैं स्वयं। वहीं सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधानसभा स्पीकर के बीच हुए नोकझोंक के बाद कांग्रेस विधायक शकील अहमद ने कहा है कि यह दर्द कहीं और का झलक रहा है और कहीं और का ही इसे बयां किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि जिस तरीके से गठबंधन के बीच दरारें नजर आ रही हैं, ये आने वाले समय में कोई और भी रूप ले सकती है। सीएम काफी गर्म दिख रहे थे आज। हाउस के अंदर का मंजर देखिए सर भैया, हाँ, हाउस के अंदर का मंजर बहुत ही दिलचस्प था। ये दिलचस्प मंजर विपक्ष भी देख रहा था कि अलायंस पार्टनर्स के बीच में न संयम है न सद्भावना है, तो संयम और सद्भावना बनाने की जो जिम्मेदारी है वो भी नहीं निभाई जा रही थी। तो इन सब पे मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी जो तर्क संगत था। हम लोग तो ये देख रहे थे
और मुझे ये लगता है, जो बार बार मैं कह रहा हूँ, हम लोग कह रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और पूरा बिहार महसूस कर रहा है कि एक तो विधायिका के प्रतिष्ठा का सवाल अपनी जगह है, प्रशासनिक तंत्र उसके ऊपर चढ़ा रहता है या उसकी बात नहीं मानता, लेकिन सदन के अंदर जो सरकार है, सरकार के अंदर जो सद्भावना, जो प्रेम और जो जो एक ही जबान होनी चाहिए सरकार की, वो नजर नहीं आती है और इसके असरात गवर्नेंस पे पड़ते हैं। इसका जो इम्पैक्ट है वो गवर्नेंस पे पड़ता है। सुस्त पड़ गए क्या सैनी? बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने सदन के बाहर मीडिया से बात करते हुए कई मामलों में अपनी प्रतिक्रिया दी। खास तौर पर उन्होंने मंत्री मुकेश सहनी पर तंज कसते हुए कहा कि वे सुस्त पड़ चुके हैं। उनके बारे में केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व को पता है। बोचहां सीट पर भी हो रहे उपचुनाव पर उन्होंने कहा कि आरजेडी के 75 विधायक हैं, हमारे 74, हम भी चुनाव में लड़कर एक और सीट जीतेंगे। नेतृत्व के सब कुछ है दिमाग में, वो ठंडा हो जाएंगे। बीजेपी निश्चित लड़ेगी और जीतेगी। बोचहां क्या कार्रवाई होगी? कार्रवाई स्वतः हो गई, उनको नहीं लगता है, आवाज नहीं निकल रहा है मुंह से, आवाज नहीं निकल रहा है, तो अभी सजा नहीं है। नीतीश जी करेंगे कि भाजपा वहां लड़ेगी, इतना बात जान लीजिए। तो वही ना पीठ में कहते थे जो छुरा घोपा गया है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के सब कुछ है दिमाग में, वो ठंडा हो जाएंगे। बीजेपी निश्चित लड़ेगी और जीतेगी। बोचहां क्या कार्रवाई होगी? कार्रवाई स्वतः हो गई, उनको नहीं लगता है, आवाज नहीं निकल रहा है मुंह से, आवाज नहीं निकल रहा है, तो अभी सजा नहीं है। नीतीश जी करेंगे कि भाजपा वहां लड़ेगी, इतना बात जान लीजिए। तो वही ना पीठ में कहते थे जो छुरा घोपा गया है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के सब कुछ। तो डीटीवी भारत ने सबसे पहले यह डिमांड रखी कि कश्मीरी हिंदुओं पर हुए अत्याचार पर बनी फिल्म द कश्मीरी फाइल्स को बिहार में टैक्स फ्री किया जाए, जिसके बाद बिहार विधानसभा में दरभंगा से बीजेपी के विधायक संजय सरावगी ने भी सदन में इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग कर डाली है। जरा सुनिए। है और जो है उसमें कश्मीरियों को की जो हत्याएं की गई 1990 में, जो प्रताड़ना की गई कश्मीर पंडितों पर, इसी पर अन्य राज्यों की तरह जो है बिहार में भी टैक्स फ्री हो, यह मामला मैंने उठाया और सरकार से आग्रह किया है कि द कश्मीर फाइल जो 11 मार्च को रिलीज हुई है वो बिहार में भी टैक्स फ्री हो, देश में रिलीज हुई है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में आए दिन विपक्ष की ओर से हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्ष के विधायक सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में माले विधायक मनोज मंजल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार धमकी दे रही है, गरीब दलितों पर बुलडोजर चलाएगी। मनोज मंजल ने कहा कि इस महंगाई के जमाने में 400 रुपए पेंशन महिलाओं को मिलता है, उन्हें 3000 रुपए पेंशन देना चाहिए। सरकार धमकी दे रही है कि दलित गरीबों पर बुलडोजर चलाएंगे और हम लोग कह रहे हैं कि सरकार पर दलित गरीबों का बुलडोजर चलेगा। जमीन तो आपने दिया नहीं साहब, और जो लोग बसे हैं सरकारी जमीन पे कह रहे हैं उजाड़ देंगे, बुलडोजर चला देंगे। जनता का, गरीबों का, दलितों का, उत्पीड़ित समाज का इस सरकार पर बुलडोजर चलेगा और इस महंगाई के जमाने में 400 रुपये महीने पे वृद्ध, विधवा और विकलांग कैसे जी रहे हैं, जीना दुश्वार हो गया है। 3000 रुपया प्रत्येक माह उनको सरकार कम से कम पेंशन दे और जितना बिहार में भूमिहीन है, आवास विहीन है, सरकार सर्वे करा ले और नया वास आवास कानून बनावे, मनरेगा लूट की जांच हो, 600 रुपया मजदूरी मिले उन्हें, 200 दिन काम। वहीं आरजेडी एमएलसी उम्मीदवार कार्तिक कुमार ने एमएलसी चुनाव को लेकर अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। साथ ही आरजेडी के वरिष्ठ नेता भोला यादव, विधायक रीतलाल और विधायक भाई वीरेंद्र भी साथ उम्मीदवार कार्तिक कुमार के साथ मौजूद रहे। कार्तिक कुमार ने कहा कि हमारी जीत पक्की है। हर विधायक महागठबंधन के हम लोग साथ हैं और आज नामांकन हुआ, शुरुआत हुआ है और आज ही जीत पक्की हो गई है, इसलिए कि महागठबंधन के ये उम्मीदवार है और पूरे पटना जिला में महागठबंधन के पंचायत स्तरीय चुनाव में सबकी जीत हुई है जो महागठबंधन के चाहने वाले लोग हैं, इसलिए जीत सुनिश्चित है। कोई टक्कर है ही नहीं। कार्तिक जी नॉमिनेशन तो फाइल कर लिया, विरोधियों को क्या कहेंगे? विरोधी कोई रहे तब तो बतावे, कोई विरोधी है या नहीं? तो विरोधी नहीं है, कोई नहीं। हर विधायक महागठबंधन के हम लोग साथ हैं।
तो वहीं बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर एनडीए उम्मीदवार मनोरमा देवी ने भी निर्वाचित पदाधिकारी से जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एमएस के समक्ष अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया और इस मौके पर जिला परिषद उपाध्यक्ष शीतल प्रसाद यादव सहित कई एनडीए कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मैं सबको आभार व्यक्त करती हूँ, आज मेरा नामांकन हुआ है और हम अपने सरकार को, जो एनडीए का सरकार हमारा देश में और राज्य में चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को, मैं सब लोगों को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि हम मेरे जैसा महिला, बैकवर्ड समाज की महिला को उन्होंने टिकट दे के एक मिसाइल कायम किया है। परिषद हमारी बड़ी भाभी मनोरमा जी एनडीए गठबंधन से आज पर्चा दाखिल किए। मैं एनडीए गठबंधन के माननीय नेता हमारे नीतीश कुमार जी, माननीय नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री जी, माननीय बिहार सरकार के मंत्री और त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि पंचायत से जो जीत करके आए हैं, माननीय जिला परिषद, पंचायत समिति, माननीय मुखिया, माननीय वार्ड सदस्य, माननीय पंचायत समिति, सभी को मैं अपनी ओर से और मनोरमा देवी की ओर से ढेर सारी शुभकामना और बधाई देता हूँ। एमएलसी चुनाव के नामांकन का तीसरा दिन है और इस दौरान अलग अलग दल के कई प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। मुजफ्फरपुर में जेडीयू उम्मीदवार दिनेश प्रसाद सिंह ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया तो वहीं दूसरी ओर आरजेडी से शंभू सिंह ने भी अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है प्रशासनिक स्तर पर। मैं बता दूं आपको कि टोटल जो मतदाता है इस चुनाव में वो 6108 है और टोटल 17 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 16 मतदान केंद्र 16 प्रखंड कार्यालय में होंगे और एक नगर भवन मुजफ्फरपुर में। आज नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, आज दो उम्मीदवारों ने नामांकन किया है अभी तक और कुछ और अभी हो सकता है नामांकन करें। नामांकन को लेकर के भी पूरी प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त एवं दुरुस्त है और पूरी पारदर्शिता और शांतिपूर्ण निर्वाचन के मद्देनजर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में काम कर रहा है। अभी हम मौजूद है मुजफ्फरपुर के समाहरणालय परिसर में जहां कि आज एमएलसी चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया जारी है और तीसरा दिन है। सबसे पहले तो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह प्रशासन की तैयारी है नामांकन को लेकर। चप्पे चप्पे पे पुलिस प्रशासन जो है सो कश्ती दे रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस बल समाहरणालय गेट पर तैनात है और आपको बता दें कि आज नामांकन में दो बड़े प्रत्याशियों ने नामांकन किया, जहां एक तरफ निवर्तमान एमएलसी दिनेश सिंह जो कि जदयू के उम्मीदवार हैं उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया, वहीं आरजेडी से शंभू सिंह ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। बड़ा दिलचस्प होगा ये चुनाव क्योंकि आपको पता जहां एक तरफ निवर्तमान जदयू के उम्मीदवार हैं वहीं दूसरी ओर अब आरजेडी ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। जनता किसे चुनती है? डीटी भारत मुजफ्फरपुर रुपेश। तो वहीं बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ अब नामांकन की प्रक्रिया जारी हो गई है। आपको बता दें ऐसे में रोहतास के सासाराम की अगर बात करें तो सासाराम समाहरणालय में बीजेपी के एमएलसी प्रत्याशी संतोष कुमार सिंह ने नामांकन किया और इस दौरान बड़ी संख्या में समर्थक जुटे। बिहार सरकार के पीएचईडी मंत्री रामप्रीत पासवान भी इस मौके पर मौजूद दिखे। समर्थकों के नामांकन के बाद बीजेपी के एमएलसी प्रत्याशी संतोष कुमार सिंह ने कहा है कि जिस तरह से चार राज्यों में बीजेपी की जीत हुई है उसकी हवा अब बिहार में बहने लगी है, जहां निश्चित रूप से जीत बीजेपी की ही होगी। बड़े भाई रामप्रीत पासवान जी भी उपस्थित हैं और जीत होगा और इतना बड़ा अंतर से जीत होगा और सभी त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि लोगों में और रेश आया है। अब न कोई जाति, न पार्टी पे कोई वोट है। अब जो सरकार, जो सुशासन का सरकार रहेगी, जिस सरकार में विकास होगा, अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों का विकास होगा, अब पब्लिक उसको वोट देने वाली है। मोकामा रेलवे सामुदायिक भवन पर बड़ी संख्या में रेल कर्मियों ने धरना दिया है। इन्होंने पुरानी पेंशन नीति लागू करने की एक सूत्री मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया रेलवे मैंस फेडरेशन के आह्वान पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। आज जो है एआरएफ के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम पुरानी पेंशन लागू करने के लिए किया गया है। आज 14 मार्च के दिन पूरे भारतवर्ष में
धरना का कार्यक्रम रखा गया है और विरोध दिवस के रूप में इसको हम लोग मना रहे हैं, क्योंकि एनपीएस से लोग परेशान हैं। जो भी आज के भाई रिटायर हो रहे हैं, जो एनपीएस में आए हैं, उनको 800-1000 पेंशन बनता है, बताइए इसमें क्या होगा। सहरसा में आगामी होली को लेकर सहरसा रेलवे स्टेशन पर लगातार रेलवे पुलिस के द्वारा ट्रेनों में सघन जांच अभियान चलाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। ट्रेनों में संदिग्ध लोगों की जांच की जा रही है और ऐसे में लगातार रेलवे पुलिस प्रतिदिन शराब ट्रेनों से बरामद कर रही है और इसी दौरान आरपीएफ पुलिस और उत्पाद विभाग की पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर राज्य रानी सुपरफास्ट ट्रेन से भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ एक कारोबारी को भी गिरफ्तार किया गया है। संध्या काल में राजरानी ट्रेन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने के बाद उस समय आरपीएफ के लोग स्टेशन पर गश्ती कर रहे थे, उसी क्रम में एक आदमी को देखे कि वो दो बैग लेकर के भागा जा रहा था। तो जब भागा जा रहा था तो इन लोगों ने उसका पीछा करने के बाद उसको जब पकड़ा गया, उसके बैग को जांच मैंने शंका के आधार पर उस बैग को जांच किया गया तो उसमें 260 पीस कोडेक्स पकड़ा गया, कोडीन वाला कोडेक्स। तो संध्या काल में राजरानी ट्रेन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पटना साहिब इलाके में दिनदहाड़े अपराधियों ने सरेआम गुटखा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने उपेंद्र की हत्या क्यों की इसकी जांच पुलिस कर रही है। स्थानियों ने बताया कि 4-5 की संख्या में आए अपराधियों ने व्यवसायी को गोली मारी है। वो परिजनों ने आनंद फानन में इलाज के लिए उसे एनएमसीएच में भर्ती कराया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और यहां पर रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करेंगे। डीटीवी भारत करने जा रहा है चिकित्सकों का सम्मान, बिहार के हेल्थ आइकन्स को हमारा सलाम, पंच परमेश्वर से बिहार श्री सम्मान के सफल आयोजन के बाद। जल्द आ रहा है हेल्थ आइकन्स ऑफ बिहार। हेल्थ आइकन्स ऑफ बिहार में पार्टिसिपेट करने के लिए संपर्क करें विशाल कुमार और पूनम कुमारी को। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो हो गया घर पक्का, छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत आप सभी का डीटीवी भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के फायरब्रांड नेता संगीत सोम बेशक साधना विधानसभा सीट पर परचम ना लहरा पाए, लेकिन उनके आक्रामक तेवर और बयानबाजी अब भी जारी है। हार के बाद सरधना में एक पंचायत में हिस्सा लेने पहुंचे संगीत सोम ने कहा कि बहुत लोगों को शिकायत थी कि उनके बच्चों की नौकरी नहीं लग रही। अब वो 5 साल में गिनती कर लीजिए। विपक्ष पर निशाना साधते हुए संगीत सोम ने कहा कि एक बार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होने दीजिए, फिर बाबा का बुलडोजर और संगीत सोम का डंडा दोनों बराबर चलेंगे। बस एक चीज चाहता हूं आपसे,
जितनी तेजी से चल रहा था उससे डबल तेजी से चलूंगा। लेकिन आप एक बार सुन लो, बस एक ही काम करना, जिस तरीके से आज एक आवाज पर खड़े हो गए, जब आवाज मारू बस खड़े हो जाना वापस। प्रतापगढ़ के रानीगंज विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए सपा विधायक डॉक्टर आर के वर्मा ने देलूपुर से होते हुए रानीगंज रामपुर के हर बाजार में लोगों से मिलकर उनका आभार व्यक्त किया। पावर हाउस से रानीगंज के बीच कई जगह समर्थकों ने रोककर उनका स्वागत किया। डॉक्टर आर के साथ पूर्व ब्लॉक प्रमुख हरीश चंद्र पटेल, विकास पटेल, मजिद शकील और कई लोग मौजूद रहे। बरेली के ट्यूलिया में ढाबा मालिक की हत्या से सनसनी फैल गई। मृतक युवक का नाम सेवाराम है, जो सड़क किनारे झोपड़ी पर अपना ढाबा चलाता था। सोमवार सुबह उसका शव देखकर सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पन्नियों भर का जो है 9:10 पे यहाँ से गए थे, तो पिताजी ये बोले थे मेरा बिस्तर बाहर करा था, इसमें मच्छर उच्छर लगते हैं। तो शाम जो उनके पास जो है 9 बजे एक लड़का लेटा हुआ था, तो उसने सिगरेट पी थी और इंग्लिश की बोतल जो पी थी, तो मतलब वो यहीं पर रखा हुआ था। इसमें तो यही है, जो बनाने वाले आए थे उन्हीं से झगड़ा हुआ है। थाना फतेहगंज पश्चिमी के अंतर्गत पुलिस को सूचना प्राप्त हुई है कि शिवाराम गंगवार, जो लगभग 50 साल की उम्र के हैं, ये राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे इनकी एक झोपड़ी है जहाँ पर ये खाना बनाकर बेचते हैं। इनका जो शव है उसी झोपड़ी में इनके बेटों को मिला। इनके बेटों के द्वारा सूचना प्राप्त होने पर पुलिस मौके पर पहुंची, तो पता चला कि धारदार हथियार से किसी ने इनकी हत्या कर दी है। और इनके बेटों के द्वारा 2 व्यक्तियों के नाम बताए गए, जिसमें से पुलिस के द्वारा एक को हिरासत में लेकर पूछताछ। एटा के बम्बा में व्यक्ति का बहता हुआ शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक पावर प्लांट पर जा रहे मजदूरों ने बहते हुए शव को देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बांदा के कोतवाली क्षेत्र में आबकारी और संयुक्त पुलिस टीम के द्वारा शराब की दुकानों में छापेमारी की गई। होली त्यौहार के मद्देनजर संयुक्त टीम के द्वारा लगातार छापेमारी जारी है। एक्साइज टीम और पुलिस के साथ शहर के स्थापित शराब के ठेकों में भी निरीक्षण किया गया। दरअसल त्यौहार पर मिलावटी शराब की बिक्री होने के अंदेशे पर शहर की दुकानों में छापेमारी की गई है। होली के त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए सभी देशी विदेशी मदिरा की दुकानों और बियर की दुकानों पर हम लोगों का द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया जा रहा है, और यह प्रयास किया जा रहा है कि जो दुकानों से बिकने वाले शराब को पी करके किसी की मौत ना होने पाए। प्रशासन इसके लिए पूरी तरह मुस्तैद है, अलर्ट है। इसके अलावा एक्साइज विभाग के द्वारा और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से अवैध जहाँ पे मदिरा का निर्माण हो रहा है उसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, किसी प्रकार के अवैध मदिरा का निर्माण और विक्रय न होने पाए। पूरे होली तक ये अभियान चलता रहे। सर, किसी दुकान में कोई कार्रवाई वगैरह भी की गई है क्या? नहीं, अभी उनके बैच नंबर और सब ये सब चीजें देखी जा रही हैं, गोदाम से उसका मिलान करके यदि कोई अनियमितता। जालौन में उरई रोड स्थित राम गार्डन के पास तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार युवतियों को टक्कर मार दी। इसके बाद गंभीर रूप से घायल युवतियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों घायल युवतियों को ग्वालियर और कानपुर रेफर किया है। बता दें कि घटना की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने चालक को भी हिरासत में ले लिया है। एटा के अलीगंज थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर चाय बनाने के दौरान गैस सिलेंडर फटने से धमाका हुआ। धमाका इतना जबरदस्त था कि कमरे की दीवार गिर गई। चाय बना रहा युवक गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। युवक को सीएचसी भेजा गया है। कमरे में चाय बनाने गए थे, अचानक से गैस में आग लगी, उसके बाद पूरा कमरा ब्लास्ट हुआ है। और तो काफी उनका बदन जो है पूरा जला हुआ है, उनका काफी बुरी तरीके से। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने एटा में जश्न मनाते हुए तिरंगा यात्रा निकाली। शहर के मुख्य मार्गों पर आपके कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली और इस मौके पर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेश कुमार वर्मा ने कहा कि दिल्ली और पंजाब के बाद पूरे देश में आम आदमी की पार्टी ही सरकार में आई थी। एटा के कोतवाली नगर के कटरा मोहल्ले में 4 माह के भ्रूण का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही कोतवाली नगर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। बता दें कि अभी एक सप्ताह पहले भी शांतिनगर में भ्रूण का शव मिला था, वहीं अवैध अस्पतालों की वजह से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं।
रायबरेली के गुरबख्शगंज थाना इलाके में वायरल वीडियो के जरिए अफवाह फैलाने की कोशिश की गई। वीडियो में यह दिखाया गया कि पुलिस की मौजूदगी में जमीन पर कब्जा कराया जा रहा है, लेकिन पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि जांच के बाद सामने आया है कि पुलिस असल में वहां दो पक्षों के बीच समझौता करा रही थी। तो उन्होंने ये भी बताया कि वीडियो वायरल करने वालों को चिन्हित कर उसके खिलाफ आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के संज्ञान आने पर इसमें हम लोगों ने जाँच कराई गई तो ये पता चला कि ये अटौरा बुजुर्ग थाना गुरबख्शगंज का वीडियो है जिसमें दो परिवारों के बीच जो है वो नाली में पानी बहने का विवाद था और जिसमें से एक पक्ष ये खोद के दिखा रहा है कि यहाँ पर नाली है। पुलिस के संज्ञान आने पर इसमें हम लोगों ने जांच कराई गई तो ये पता चला कि ये अटौरा बुजुर्ग थाना गुरबख्शगंज का वीडियो है जिसमें दो परिवारों के बीच जो है वो नाली में पानी बहने का विवाद था और जिसमें से एक पक्ष ये खोद के दिखा रहा है कि यहाँ पर नाली है। जौनपुर के सरपतहा थाना क्षेत्र के भटौली गांव में दबंगों ने घरों में आग लगा दी, जिसके बाद वारदात का वीडियो वायरल होने पर हड़कंप मच गया। पीड़ित ने अपने पट्टीदार पर आग लगाने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया और हजारों का नुकसान हुआ है। मामला यही था कि हम मड़ई पहले पुराना रखे थे, लेकिन पता नहीं किसके कैसे भड़काए में क्या हुआ, आग लगा दिए। माचिस लगाते आग हम रिकॉर्डिंग कर लिए और दिखाए भी, थाना गया रिपोर्ट लिखाने, तभी जो है बहुत स्लो काम कर रहे थे, सुबह से लेके 3-4 बज गया, वहीं से कौन आग लगाया। हरिराम। बिजनौर के चांदपुर में जर्जर इमारत को तोड़ते हुए दर्दनाक घटना घटित हुई है। हादसे में दो मजदूर लेंटर के नीचे दब गए। आपको बता दें, लेंटर के नीचे दबने से दोनों मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल मजदूरों को ग्राम प्रधान और ग्रामीणों की मदद से लेंटर नीचे से निकालकर CHC में भर्ती कराया गया है। कन्नौज में एक ऑटो चालक को सड़क पर 50,000 रुपए के नोटों की गड्डी पड़ी मिली है और ये रुपए अज्ञात व्यक्ति के बैग से गिरे थे। ऑटो चालक ने युवक को आवाज भी दी, लेकिन युवक नहीं रुका, जिसके बाद ड्राइवर ने इन रुपयों को पुलिस को सौंप दिया है। बता दें कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। डॉक्टर को धरती का भगवान ऐसे ही नहीं कहा जाता। आगरा के अतमादपुर में प्रसव के बाद महिला डॉक्टर नवजात शिशु को तब तक अपनी सांसें देती रही जब तक नवजात की किलकारी नहीं गूंजी। मामला अतमादपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां एक महिला ने बच्ची को जन्म दिया लेकिन नवजात की सांस नहीं चल रही थी। तब ऑपरेशन थिएटर में प्रसव करा रही डॉक्टर सुरेखा ने नवजात को मशीन से ऑक्सीजन देने किया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। मिलने पर डॉक्टर ने नवजात को अपने मुंह से सांस देना शुरू कर दिया और आखिरकार वे नवजात को जीवन देने में सफल रही। तो वहीं इस वीडियो में सोशल मीडिया पर आने के बाद लोग उनके इस कार्य की सराहना भी कर रहे हैं। इसे माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन कहते हैं। ये बच्ची की माँ है और ये बेबी है और ये इनके साथ जो है वो आशा है। तो बच्चे को प्रोलॉन्ग लेबर की वजह से बच्चे में सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। तो पहले हमारी सिस्टर जो थी अनीता सिस्टर, उन्होंने बहुत कोशिश करके अम्बू बैग से और ऑक्सीजन दे के बच्चे को सांस लाने की कोशिश की थी, पर वो सारी चीज़ें जब काम नहीं करी तो उसके बाद हमने उसको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दिया और माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन कम से कम 7 मिनट देने के बाद फिर बच्चे ने सांस ली और फर्स्ट ट्राई लिया। इसे अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में बीती रात अपराधियों ने घर में घुसकर महिला की बेरहमी से हत्या कर दी। बता दें कि दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच कर रही है। मामला मुझे सर किसी ने रेप किया। किसका? मेरी घर वाली। आप कहाँ थे? मैं खेत पे था, खेत पे ज्यादा रहता हूँ। किस समय आए थे आप? मैं सुबह 7 बजे आया। जब आप घर पर आए तो आपने क्या चीज़ ऐसे देखा जो आपको ऐसा महसूस हुआ? सर मैं आया घर तो अंदर से कुंदे लग रहे थे और मैं छत पर गया तो छत पर से देखा मैंने जाल में से, तो मेरी घरवाली नंगी पड़ी। ये मामला मुझे सर। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही, आप मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।